ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विजया सुल्ताना एंड आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन। करंटली मैं हुसैन कार्डियोलॉजी एसोसिएट्स फेसल टाउन एंड मॉडल टाउन मेडिकल लेडीज़ क्लब में काम कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा ब्लॉटिंग या गैस, या कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से नॉर्मली लोगों के अंदर गैस या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। असल में होता ये है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारे बॉडी के, हमारे गट के कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज या कुछ सर्टेन एंजाइम्स मिलकर उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जिसकी प्रोसेस से गैस प्रोड्यूस होती है बॉडी में। ब्लॉटिंग से नॉर्मली आपको पेट, एब्डोमिनल एरिया सोलन या फूला हुआ फील होता है, या टच करने से हार्ट सा फील होता है। नॉर्मली लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहती है, जिसमें पेट दर्द हो जाता है। एसिडिटी बहुत मेन कॉमन एक कॉज है। उसके अलावा कुछ लोगों को शोल्डर में पेन होती है, कुछ लोगों को इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कुछ सर्टेन फूड ग्रुप्स को बताने से पहले बताती चलो कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आमतौर पर लोगों में ज़्यादातर गैस की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या जिनकी पुअर डाइट है, या जिनकी स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है और कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या वो लोग जो कुछ सर्टेन मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उन लोगों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से ब्लॉटिंग नॉर्मली हो सकती है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स, उसके अलावा मिल्क, देन स्पाइसी एंड फैटी फूड, देन पोटैटोज, पीचीज, एप्पल्स, पियर्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, गोभी, बंद गोभी वगैरह, ब्रॉकली आ जाता है उसके साथ साथ। फिर हमारे पास आ जाता है लेग्यूम्स, पल्सेस, ग्रेन्स, दालें, चने वगैरह, कॉर्न आ जाता है। देन हमारे पास आ जाता है वाइट फ्लावर, जैसे कि मैदा वगैरह, मैदे से बनी हुई आइटम्स, फिर पास्ताज वगैरह। तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक फूड हैं जिनकी वजह से नॉर्मली लोगों में ब्लॉटिंग हो सकती है। आपने ये देखना होता है कि कौन सा एक स्पेसिफिक ऐसा फूड है जो आपको गैस कॉज कर रहा है या आपको ट्रबल कर रहा है। तो नॉर्मली सब लोगों में डिफरेंट फूड जो है उनको ट्रबल कॉज करते हैं। ऑब्वियसली ये हमारी डाइट का हिस्सा है और ये हेल्दी फूड है। अगर आपको ये कुछ हेल्दी फूड्स आपको ब्लॉटिंग फील करवाते हैं, तो आप इसको अपनी डाइट से कम तो नहीं कर निकाल तो नहीं सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप इनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप इसको ओवरनाइट कंज्यूम ना करें, रात को बहुत लेट नाइट आप बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कंज्यूम ना करें। बहुत ओवर ईटिंग और ग्रेजिंग को अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा एकदम से खा लिया या हर वक्त खाते रहना, आप उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि ईट स्लोली एंड च्यू प्रॉपरली, आराम आराम से खाएं और प्रॉपरली चबा कर खाएँ। और कोशिश करें कि खाना खाते हुए आप बातें कम से कम करें, क्योंकि जब आप खाने के दौरान बातें कर रहे होते हैं तो उससे भी आप एयर स्वेलो करते हैं, जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और देखें कि आपके खाने में अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फैटी फूड है तो आप उसको भी अवॉइड करें। उसके अलावा अपना फ्लूइड इंटेक प्रॉपर रखें, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक कम करें अपनी डाइट से। अगर आपने कोई हैवी मील लिया है जिसमें हाई प्रोटीन है, तो कोशिश करें उसके फ़ौरन बाद से डिज़र्ट्स वगैरह या बहुत मीठे का इस्तेमाल ना करें, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ होता है। और उसके अलावा आप अपनी एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी रखें, कोशिश करें कि आपके थोड़े बहुत स्टेप्स पूरे दिन में होते रहें। आप कोशिश करें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से अवॉइड करें, खाने के फौरन बाद कैफीन का इंटेक मत करें, चाय या कॉफ़ी को आप खाने से एक आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। उसके अलावा आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप फ्लूड, अपना पानी का इंटेक प्रॉपर है आपका, उसके अलावा स्मोकिंग से आप अवॉइड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेक श्योर करें कि आपके खाना जो है वो एक प्रॉपर टाइम पर, आपके फिक्स टाइमिंग्स के ऊपर हो जाना चाहिए। बहुत अगर आप इरेगुलर टाइमिंग्स पर खाना खाते हो तो वो भी आपको ट्रबल कर सकता है। सो, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप ब्लॉटिंग को कम कर सकते हैं, मेक श्योर करें कि आपकी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स जैसे कि योगर्ट वगैरह लाजमी होना चाहिए।
आप जिंजर और लेमन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लेमन को पानी में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन हैव सिनेमन टी, आप आलमंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ से नॉर्मली खाने के फ़ौरन बाद से सौंफ का जो अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली ओला डॉग के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए दोबारा से ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं तो अभी ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉग, मुश्किल वक्त में आपके साथ।